नीलम भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बिना अंडे का अंडा करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पनीर ले लिए हैं, अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो हम इसी तरह करके सभी पनीर को ग्रेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पनीर को ग्रेट कर लिए हैं। आधा पनीर हम साइड में रख दिए हैं, आधा पनीर हम ले लिए हैं। अब इसमें हम मिला देंगे हल्दी पाउडर, एक चाय चम्मच नमक। फिर हम इसे अच्छी तरह से गूंध लेंगे। अब मिलाते मिलाते इसको हम चिकना कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे अच्छी तरह से मिला ली है। तो अब हम इसका यहाँ पर छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। तो हम यहाँ पे सभी बॉल्स बना करके तैयार कर लिए। फिर हम यहाँ पर आधा बचे हुए पनीर को ग्रेट कर लिए और ले लिए। फिर इसमें हम दो उबले आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर लिए। तो अब हम इसमें मिलाएंगे। फिर अब इसमें हम मिलाएंगे 3 चम्मच मैदा। और स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। फिर इसे हम अच्छी तरह से गूंध लेंगे। तो देखिए लगभग यहाँ पर हमने गूंध लिए हैं। इसे और थोड़ा सा मस लेंगे और मुलायम करेंगे। तो यहाँ पर हमने आटा की तरह अच्छा से गूंध लिए हैं। तो अब चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर गूंधे हुए पनीर ले लिए हैं और एक भाग में हम सूखा मैदा रख लिए हैं और एक भाग में हम छोटा छोटा जो बॉल बना के तैयार रखे थे वो रख लिए। अब हम गूंधे हुए पनीर लेंगे और इसका कटोरी आकार का हम बना लेंगे। इसके बीच में हम बना हुआ बॉल डाल देंगे और इसको हम गोल करते हुए अंडे का शेप दे देंगे। और इसी तरह करके हम सभी बना करके तैयार कर लेंगे। हम यहाँ सभी पनीर का अंडा बना के तैयार कर लिए। अब हम तैयार किए हुए अंडे को सूखे मैदे में कोट कर लेंगे इस तरह करके। और इसी तरह करके हम सभी अंडे को कोट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी को कोट कर लिए हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा करके गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कढ़ाई चढ़ा करके गरम कर लिए हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें तेल और तेल को गरम होने देंगे। तो तेल यहाँ पर गरम हो गया है। तो एक एक करके हम अंडे को डालते जाएंगे और इस तरह उलट पुलट करके इसे हम फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये शैलो फ्राई हो गया है, तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह करके हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सभी को फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब चलिए हम इसका ग्रेवी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर जिस तेल में अंडे को फ्राई किए हैं वही तेल ले लिए हैं। तो अब हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच जीरा, दो तेज़पत्ता और इसे हम चटकने देंगे। तो अब ये चटक गया है, तो अब हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो हमने यहाँ पर प्याज को अच्छी तरह से भून लिए हैं। तो अब डाल देंगे हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम मिला देंगे और मिलाने के बाद हम इसे भूनेंगे। कलर के लिए हम यहाँ पर एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, फिर इसे मिलाते हुए भून लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, फिर डाल देंगे एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। अब इसे मिलाते हुए हम टमाटर को गलने तक भूनेंगे। तो अब हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, फिर इसे हम भूनते जाएंगे। तो मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से भून गया और तेल भी छोड़ने लगा है। तो अब हम डाल देंगे एक गिलास पानी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे उबाल आने देंगे। तो देखिए इसमें उबाल हल्का सा आ गया है, तो हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे। तो हमने यहाँ पे सभी अंडे को डाल दिए और इसे एक बार फिर से मिला देंगे। हम मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से उबाल आ गया है। तो अब ये पनीर का अंडा करी बनके रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम सर्व करने के लिए सब्जी को एक बाउल में निकाल लेंगे।